भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के देवन यादव का पुत्र मंटू यादव पर दर्जनों केस दर्ज है। हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त है। पुलिस को इसकी तलाश भी थी। मंटू आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तारी हेतु वांछित है। गिरफ्तारी की डर से अपना ठिकाना बदलता रहता था। सुल्तानगंज, नौगछिया और खगड़िया देरा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम दिया करता था। बलपूर्वक देरा क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर लिया करता था। आमजनों में इसका काफी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता था। पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को देसी कट्टा, 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के 1 कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारी इंस्पेक्टर प्रिय रंजन सुल्तानगंज और DIU की टीम, सब इंस्पेक्टर राजीव, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर सिकंदर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और SHO बबरगंज राजरतन, SHO अकबरनगर प्रिय रंजन, इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्यरात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से 1 देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। सर, गंभीर अपराध क्या है? रंगदारी का, बोले 2 रंगदारी का मामला, कब अपराध की दुनिया में प्रवेश किया? देखिए, इसका जो अभी तक का जो आपराधिक इतिहास हम लोग के पास आया है 2007, अर्थात लगभग 15-16 साल से ये पूरे दियरा में इसका आतंक था और बहुत सारे लोगों से रंगदारी वसूलता था और इसकी पुष्टि भी हुई है, वैज्ञानिक साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि हुई है। और हम लोग इसके और भी जितने साथी हैं जो सहयोगी हैं उसकी भी पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। दियरा में किसान से रंगदारी मांगने की शिकायत? हाँ, ये जैसा मैंने बताया ये पूरा दियरा क्षेत्र में ही रहता है। चूँकि आपको पता है कि दियरा क्षेत्र कितना दूर होता है, वहाँ आप कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ जाता है तो दूर से ही पता चल जाता है क्रिमिनल्स को। तो इसको बड़ी सावधानी से हमारी टीम लगी हुई थी, बहुत ही अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। क्या किसी प्रकार का पुरस्कार भी दिया? आनगंज और सबौर 2 थानों में इसका आपराधिक इतिहास मिल रहा है। हम लोग खगड़िया और नवगछिया के भी संपर्क में हैं, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र पूरा भागलपुर का जो सुल्तानगंज तिलकपुर दियरा है उसके अपोजिट में जो खगड़िया नवगछिया जिला पड़ता है उसका जो दियरा क्षेत्र है उसमें भी इसका कार्य क्षेत्र था। तो हम लोग वहाँ की पुलिस से भी संपर्क हैं और वहाँ के भी जो भी इसके खिलाफ दर्ज मामले हैं उनको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। अपराधी है जो हमारे टॉप 10 में भी शामिल था, इसका नाम मंटू यादव है, जो कि तिलकपुर सुल्तानगंज का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ कुल 18 कांड, जो इसका आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने खंगाला है, उसमें 18 कांड निकल के आए हैं, जिसमें कि 1 मर्डर का केस है, 6 हत्या के प्रयास के केस हैं, 4 आर्म्स एक्ट के केस हैं, 2 अपहरण के केस हैं, 2 चोरी के केस हैं और 1 मारपीट का केस है। इस प्रकार ये भागलपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल बिहार के सभी जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी बाबत भागलपुर भी वो पहुंची और महिलाओं को एकजुट करने साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संबोधित किया। वहीं उन्होंने आगामी 2024 और 25 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति भी पार्टी की महिलाओं के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 इंडिया अलायंस का है, इसके लिए हम लोगों को मजबूत होना होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा पर जमकर निशाना साधते उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ ठगने का काम कर रही है, छलावा करने का काम कर रही है। उन्होंने जो बेटी बचाओ का नारा दिया था वह बिल्कुल गलत था। उनके राज में महिला बिल्कुल असुरक्षित है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां बीजेपी के सांसद और विधायक मौन हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भाजपा को 450 की गैस सिलेंडर अच्छी नहीं लगी तो उसने 1200 कर दिया और अब चुनाव आया तो लोगों को ठगने का काम कर रही है और 200 कम कर चुनाव जीत कर डबल मुनाफा करना चाहती है। यह कहीं से सही नहीं है, यह हम लोग कभी नहीं होने देंगे। जनता समझदार है, जनता 2024 और 25 में भाजपा को जवाब देगी। देखिए, मुझे जब से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है राष्ट्रीय जनता दल के, मुझे महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी का निर्वहन के लिए आज मैं सभी जिलों में विजिट कर रही हूँ। अब तक मेरे 24-25 जिले हो चुके हैं और उसी क्रम में आगे मैं अभी भागलपुर आई हूँ और ये हमारी यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं आशा जी। तो मेन हम लोगों का ये कि संगठन को मजबूत करना, जिले से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर के बूथ तक पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा जीतना, विश्वास जीतना और संगठन को मजबूत करना ताकि आने वाले चुनाव के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार रहे, ये मेन मकसद हमारा यही है भागलपुर की जीत का। नहीं, संगठन का काम है, संगठन के काम के लिए आए हैं, फिर साथ ही साथ महिलाओं को देखिए ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी महिलाएं ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से महिलाओं को छलने का काम किया है, जिस तरीके से झूठ बोल करके धोखे से 2019 में बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। नारा तो दिया बेटी बचाओ का, लेकिन उसके आगे एक लाइन गलत लिख दिया, बेटी बचाओ के बाद उन्हें लिखना चाहिए था कि बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्रियों से बेटी के को बचाओ। तो ये जो बेटी बचाओ का नारा देने वाले जो लोग हैं उन्होंने बेटी की कोई इज्जत छोड़ी नहीं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो जहाँ पे निवस्त्र कर करके घुमाया गया, जो विश्व में कभी ऐसी घटना कभी सुनने को नहीं मिली होगी जिस तरीके से महिला रेसलर्स के साथ हुआ और वहाँ पे महिला रेसलर्स को सम्मान दिलाने के बजाय उसको उसका अधिकार दिलाने के बजाय न्याय दिलाने के बजाय वो अपने एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में ज़्यादा लगी रही और एक नवालिग होकर के अगर कोई कहती है तो उस पर पॉक्सो लगता है, पॉक्सो में तुरंत इमीडिएट आपको FIR दर्ज करना है। लेकिन ये कैसा देश में हम लोग रहते हैं और कैसा यहाँ का गृह मंत्री है और कैसी यहाँ की पुलिस है, जो कि घटना दिल्ली की है और दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है, FIR तक दर्ज नहीं करती है, एक नाबालिग के बयान का FIR तक दर्ज नहीं होता, ये शर्मनाक है। तो हर मसले बचाओ, उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया लेकिन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है देश के किसी भी कोने में, ये बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, उन्होंने जो आश्वासन दिया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 450 का गैस उनको बहुत महंगा लगा था इसलिए सस्ता करके आज 1200-1250 का कर दिया, और जो चुनावी जो कहते हैं ना कि बांटना तो आया तो 200 रुपये कम कर दिए ताकि चुनाव फिर से बहला फुसला करके फिर डबल वसूली करेंगे। तो ये वसूली वाली सरकार है, बेनकाब हो चुकी है, इनके एक जितने एक तरफ से जितने भी वादे थे, जितने भी 2023 तक पक्का मकान बनवा देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे,
फसल की कीमत आपको मिलेगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया नहीं और कोई मुद्दा उनके पास चुनाव लड़ने का है नहीं, तो अब तरह तरह के बाबाओं को ला करके धर्म के नाम पर भटकाने का काम कर रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए अभी महिलाएँ जो हैं वो तो खैर समझ ही नहीं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो महिलाओं को हो रही है, चाहे किचन में अगर जो महंगाई की मार पड़ रही हो तो सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही झेल रही हैं। तो महिलाएं अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि कैसे बीजेपी को यहां से उसका सूपरा साफ करना है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के सौजन्य से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन नवनिर्मित अत्याधुनिक टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं भागलपुर के कई वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम 12 और 13 सितंबर को आयोजित की जा रही है। युवा महोत्सव में समूह गान, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हारमोनियम वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य विधाओं में युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु लोक गाथा गायन, लोक गीत, एकल सुगम संगीत, एकल वायलिन वादन, सारंगी वादन, सरोद वादन, सहनाई वादन, पखावज, ध्रुपद, धमाल आदि की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। गौरतलब है कि सभी विधा के प्रतियोगिता में 15 से 35 आयु के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। युवा महोत्सव के नियम के अनुसार जो प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे वही प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सहभागिता हेतु भागलपुर से भेजे जाएंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें 15 से 35 वर्ष के युवा कोई भी निशुल्क जाकर अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें चयनित होने पर राज्य स्तर पर भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने नवनिर्मित टाउन हॉल को और भी विस्तार करने की बात कही, जिसे भागलपुर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर अपने जिला, राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि दर्शकों की संख्या कम है लेकिन यह प्रतियोगिता है, इसमें कलाकार और कला प्रेमी आ रहे हैं और कला का प्रदर्शन देख रहे हैं और अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। अवगत है कि अत्याधुनिक टाउन हॉल का जो है हम लोगों ने निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया है, जो कि फुल्ली एसी टाउन हॉल है और 1000 कैपेसिटी है, और जो अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो सुनिश्चित कराई जा रही हैं। गैलरी, आर्ट गैलरी वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं और टॉप फ्लोर पे जो फॉल सीलिंग का काम है वो अंतिम चरण पे है, और कुछ नाला और रोड जो इंटरनल रोड्स होता है वो काम भी लास्ट फेज में है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य ऑडिटोरियम है, जो मंच है, वो हम लोगों का 15 अगस्त से पहले ही तैयार हो गया था। 15 अगस्त में हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर कार्यक्रम भी कराया था। आज जो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है ये हम लोग यहाँ करा रहे हैं और सारे कलाकारों का यहाँ पार्टिसिपेशन होगा, जो उभरते हुए कलाकार हैं, और जिनका चयन होगा वो फिर राज्य स्तर पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो सभी कलाकारों को मैं शुभकामना भी देता हूँ और बहुत ही अच्छे वातावरण में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस टाउन हॉल को हम लोगों ने प्रयास करके 1.5-2 साल में बनवाया है, तो उसमें सारा कार्यक्रम होगा और आगे आने वाले भविष्य में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है जितने भी हमारे उभरते हुए कलाकार हों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हों उनको भागलपुर में अगर परफॉर्म करना हो तो ये मंच मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है भागलपुर ज़िले के लिए और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम इस खूबसूरत टाउन हॉल में हम लोग लगातार आयोजित करते रहें। इसके लिए प्रशासन भी और स्मार्ट सिटी नगर निगम की पूरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है, जल्दी ही बचे हुए काम को हम लोग कम्प्लीट करा देंगे। अब वो तो इच्छा है, ठीक है ना, और प्रचार प्रसार आज के भी न्यूज़पेपर में आया है, किसी को ज़बरदस्ती कार्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। ऑफिस आवर है, लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सबके लिए ओपन है, फ्री में व्यवस्था है, जिसको भी आना है लोग आ सकते हैं। अब कोई कैप्टिव ऑडियंस हम लोग नहीं रखना चाहते, किसी को पकड़ के बैठाया गया है। जो कला प्रेमी हैं खुद आना चाह रहे हैं, उससे आनंद उठाना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं, सबके लिए है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रचार प्रसार, जैसे कोई प्राइवेट कार्यक्रम होता है इसमें टिकट लगता है कि माइक लेकर के जो है गली गली में प्रचार कर रहे हैं या जो है कोई स्पॉन्सर पकड़ करके ला रहा है, तो वो इसी सरकार के कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं होती है। ये बच्चों के लिए है, इसको समझना पड़ेगा, इसीलिए कार्यक्रम के मर्म को इसको इन सब चीज़ों में बांध करके हम लोग लिमिट ना करें, ठीक है ना। कलाकारों का प्रदर्शन है और सारे शास्त्रीय जो होते हैं वाद्य विधा, इससे संगीत इस तरह का है, तो इच्छा है जो कला प्रेमी हैं, कला के सूद लेने वाले हैं, उनको वो लोग सब लोग आए हुए हैं और भी आ सकते हैं। दिन भर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, लेकिन मेन है कि बच्चों का, उभरते कलाकारों का परफॉर्मेंस है, उसको सबको अप्रिसिएट करना चाहिए।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने पति पत्नी दोनों को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। पहले आंख में मिर्ची का पाउडर डाला, फिर धारदार हथियार से वार किया। बचाव में पत्नी सामने आई तो उसे भी लहूलुहान कर दिया। खेत में काम कर रहे उचित लाल मंडल और उसकी पत्नी सविता देवी की गला काट कर हत्या करने का प्रयास गाँव के रिटायर्ड फौजी जमादार मंडल के द्वारा किया गया। दरअसल खेत में उचित लाल मंडल काम कर रहे थे, उसी दौरान आरोपी जमादार मंडल पहुंचा और पहले उचित लाल मंडल की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और उसके बाद तलवार से गले पर वार करने लगा। वहीं पति पर वार होता देख जब पत्नी सावित्री देवी पहुंची और बचाने का प्रयास किया, तब आरोपी के द्वारा पत्नी के गले को भी काटने का प्रयास किया गया और गले के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी तलवार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। दोनों पति पत्नी को गला पर तलवार से घायल करने के बाद दोनों ही खेत में ही घायल अवस्था में छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं घायल का कहना है कि जमादार मंडल के द्वारा सरकारी जमीन पर घर बनाया गया था और जिसकी शिकायत उसके बेटे ने विभाग में की थी और विभाग के द्वारा उसका मकान तोड़कर वहां पर सड़क बना दिया गया, जिसको लेकर वो गुस्से में था और उसके बाद आज उसने हत्या करने का प्रयास किया। वहीं घायल पति पत्नी का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रिटायर्ड फौजी है, काहे मारा? काहे मारा हमको पता नहीं, काहे मारा उसने? किसको किसको मारा? हमारे पत्नी को मारा। कैसे मारा? हथियार से। कौन हथियार? पूरे तोड़ का तेगा था। चाकू? नहीं, तेगा था। कुछ इससे विवाद भी है? हमसे विवाद कुछ नहीं है, लेकिन ग्रामीण झगड़ा हुआ है उसका ग्रामीण लोगों से। क्या चीज को लेकर? वो पहले आज से 2-3 साल से वो चल रहा है झगड़ा। क्या चीज का? रास्ता के लेकर के वो बना दिया था बिहार सरकार में मकान अपना, और उसी को अप्लीकेशन दिया था हमारे बेटों ने, वो वार्ड पार्षद अथी है, अध्यक्ष है वार्ड का। कहाँ पर मारा आपको? घर पर? नहीं, खेत में मारा है। धान उसका भी खेत हमारे बगल में, मस्जिद बोले है। मस्जिद में? जी। कौन कौन था मारने में? मारने में कौन कौन था? अकेले अपना देख लिया, अकेले अकेले पहनाओ से ले अकेले खेतों में बैठलो अपना। पहले आंख में दिया था? हाँ, वही ले के चाहिए कुछ। तो बाबू जैसे मैंने उसको देखा बस आँखी में बुगनी दे दिया, हम गिर गए नीचे मेड़ पर बैठे थे, बस गर्दन पर मेरा तलवार चला मशहूर कर दिया उसने। आपके और आपकी पत्नी पर भी? नहीं, वो तो अपना धान अपने अपने घास चुन रहे थे खेतों में, जब हमको मारा ना तो उसको शंका हो गया कि कौन क्या हो रहा है, वो दौड़ी हुई आई तो उसको भी वार कर दिया उसने। भागलपुर जिले में लगातार डेंगू के दंश ने जहां आम लोगों को परेशान किया, वहीं अस्पताल में डेंगू के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर पुलिस के जवान अधिकारी भी डेंगू के डंक का शिकार हो रहे हैं। 3 दर्जन से अधिक पुलिस के जवान अधिकारी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 6 जवान को प्लेटलेट्स भी चढ़ाया गया और डेंगू के शिकार लोगों की जाँच कर इनका इलाज भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन और थानों में फॉगिंग कराने के साथ साथ साफ सफाई की को दुरुस्त किया गया है, जिससे डेंगू से बचाव किया जा सके। अब देखिए, हर स्तर पे चूंकि पुलिस का काम होता है बाहर निकल के काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों के चपेट में आते हैं, लेकिन हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं और किसी को भी लक्षण अगर सामने आ रहे हैं तो तुरंत उनका जो ब्लड टेस्ट है, डेंगू में खासकर जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं जिसके चलते कभी कभी जीवन का खतरा हो जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार जो भी इसमें इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं उनका CBC करा रहे हैं और जो भी उनको चिकित्सीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति जो हमारा लोकल मेडिकल कॉलेज है वहाँ से हो रहा है। वहाँ के डॉक्टर लगातार डॉक्टर के संपर्क में है और हमारे जो DSP लाइन है वो भी लगातार जितने भी सिपाही हैं अफसर हैं उनसे बात कर रहे हैं, और अभी तक करीब 0.5 दर्जन पुलिसकर्मियों को हम लोग के द्वारा प्लेटलेट्स भी चढ़वाया गया है। ब्लड पुलिसकर्मियों के द्वारा ही ब्लड डोनेट किया गया उसके और उससे प्लेटलेट्स निकाल के उनको चढ़ाया गया, तो अभी तक मुझे लगता है कि 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इससे संक्रमित हो चुके हैं और कई लोग ठीक भी हो गए हैं, कई लोग संक्रमित हो रहे हैं फिर ठीक हो जा रहे हैं। तो ये फॉगिंग की व्यवस्था हम लोग पुलिस लाइन में और जितने भी हम थाना है वहाँ पर व्यवस्था किए हैं और साफ सफाई कराया गया है जिससे कि लोग इससे कम संक्रमित हों और जो संक्रमित हो जाए उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा की जो व्यवस्था है उस वो हम कर रहे हैं।
जिले में लगातार डेंगू के दंश से जहां आम लोग परेशान है, अस्पतालों में डेंगू के शिकार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं जिले में डेंगू के 4 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसको लेकर आज भाजपा की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त ध्यान पांडे के कार्यालय के गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा डेंगू को लेकर कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी, जबकि सभी को मालूम है कि सितंबर से अक्टूबर महीने तक डेंगू का प्रकोप जिले में रहता है। इसके बावजूद भी न तो सफाई की व्यवस्था की गई, न ही फॉगिंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होता तो आगे पार्टी के कार्यकर्ता धरना और अनशन तक देने का काम करेंगे। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। भागलपुर डेंगू प्रकोप के मामले में राज्य का नंबर 1 जिला बन गया और यहाँ की जो निगम की प्रशासन है वह चैन की बंसी बजा रही। दुखद है, 4 साल की छोटी बच्ची, 24 वर्ष का युवा, आज एक MR की मृत्यु होती है और लगातार अस्पताल में भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। और भागलपुर के लोग डरे समे हुए हैं, लोग घूमने फिरने नहीं निकल पा रहे, मसरी के अंदर, मच्छरदानी के अंदर भागलपुर कैद हो गया। ऐसी भयावह स्थिति कि जिम्मेवार कोई है तो निगम प्रशासन है। जब उसको पता है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक यह डेंगू का प्रकोप का महीना होता है, आपने पूर्व से कोई तैयारी नहीं की, नाला उढ़ाई का काम नहीं हुआ, फॉगिंग का काम नहीं हुआ, नाले में दवाई की छिड़काव नहीं हुई और यह भयावह स्थिति है। भागलपुर विस्फोटक स्थिति में है और डेंगू भागलपुर में मौत का तांडव कर रहा है और हमारे परिवार के लोगों को एक एक करके लील रहा है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां डेंगू का प्रकोप नहीं है और जहां भागलपुर के उत्तरी छोर पर इस भाग में डेंगू का प्रकोप है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया और टाइफाइड जो है वो फैलाए हुआ है और घर घर में गंदे पानी होने के कारण, नाला का पानी निकासी नहीं होने के कारण वहाँ मलेरिया और टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। आगे अभी प्रशासन को चेताने आए कि अगर भागलपुर की सुधि नहीं लेंगे, अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रहेगी और व्यापक व्यवस्था नहीं होगी, कोई रोकथाम का उपाय नहीं होगा, तो धरना भी और आमरण अनशन भी करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। इसीलिए आज चेताने आए हैं, चेत जाइए, एक एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और किसी भी नागरिक को कुछ आता है इसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की जवाबदेही है। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर पहुंचकर कुलपति परीक्षा नियंत्रक अनुशासक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि अभी हम लोगों का क्लास 15 दिन भी नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में 400 नंबर का ऑनर्स पेपर का परीक्षा होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे। परीक्षा में जब छात्र पढ़े लिखे नहीं है, कुछ छात्र तो सेटिंग से पास हो जाएंगे लेकिन अधिकतर छात्र फेल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि परीक्षा तिथि कम से कम 2 माह आगे बढ़ाया जाए। जो पाठक के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या किया गया है कि अचानक तो एक रिजल्ट दिया गया, ठीक है, रिजल्ट बहुत लेट दिया गया, उसके बाद रिजल्ट और एडमिशन और ये एग्ज़ाम फॉर्म का डेट 15 दिन के अंदर दिया गया। अब बताइए इतने सारे बच्चे हैं, 15 दिन के अंदर एडमिशन लेना, फिर एग्ज़ाम फॉर्म करना, फिर बहुत इस बार क्या किया गया, ऑनलाइन रिजल्ट दिया नहीं गया, दिया गया TR पे, तो TR पे देखने में लाइन लगता है, तो TR देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों, इस कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए। और पाठक के एग्ज़ाम के बारे में बात रहा तो यह है कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर टाइम दिया है, 15-20 दिन के अंदर क्या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पॉसिबल है क्या? कब से एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम है 21 से 16 से पार्ट 2 का है और 21 से पार्ट 3 का है। इसमें क्या है, 8 वाले बच्चे को भी मैक्सिमम प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आसान साइंस वाले सारे बच्चे को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप ये बताइए, एक तो आप टाइम लिमिट नहीं दिए ज़्यादा, ऊपर से क्या क्या गैप नहीं दिए। अब बताइए साइंस वाले बच्चा दिएगा, आप कितने भी पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम में 10-15 दिन का गैप चाहिए रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे एग्जाम में लिखेंगे। और दूसरी नंबर गलती यूनिवर्सिटी का क्या गलती है, इस बार क्या किया, पार्ट 2 में बहुत सारे बच्चे को एब्सेंट कर दिया है। जो बच्चे एब्सेंट है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चे जो प्रमोट किए गए हैं, वो लोग बच्चे कैसे पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे, उसको डेट नहीं दिया गया। तो मेरा कहना है कि पार्ट 3 का थोड़ा सा डेट भरा एग्जाम फॉर्म के लिए। और दूसरी नंबर ये इसका क्या किया जाए, एग्जाम के पेपर के बीच गैप भी दिया जाए और एग्जाम का डेट भी 1 से 2 मंथ। आपका परिचय? एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिन के बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने आया है BC से, कंट्रोलर साहब से, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि हम लोग कल भी प्रोटेस्ट किए थे इसके लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद पार्ट 3 का हम लोग का कोशिश है कि कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाए, जिसके लिए एग्जामिनेशन तिथि को
आगे बढ़ाया जाए एक मंथ के लिए। 6 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए थे तो कंट्रोलर सर ने आश्वासन हम लोग को दिया था कि 11 तारीख को बीसी सर आएंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। जब 11 तारीख को आए तो ना बीसी मिलने के लिए तैयार है, ना एग्जाम कंट्रोलर मिलने के लिए तैयार है। इसके बाद जब जन अधिकार छात्र परिषद हम लोग पूरे मजबूती के साथ आज बीसी आवास घेराव किए हैं, इसी तरह हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा यदि एग्जाम तिथि को आगे नहीं बनाया गया तो। कहाँ पे घेराव किए हैं? ये बीसी सर का आवास है, जबकि बीसी सर का ऑफिस है यूनिवर्सिटी कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं बैठते हैं, इसके लिए हम लोग बीसी सर के आवास पे आए हुए हैं।